प्रणाम। शेर है शेर में। अरे देखिए एक लाख भैया आ रहे हैं। अरे बहुत बहुत भाई काम तो ये सब बहुत भैया। अरे बहुत मेहनती है भाई। और सब क्या हाल है? एकदम भैया सब ठीक ठीक है भैया। बहुत अच्छा है भैया। तो पहचान रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? विपुल बिहारी जी भैया। विपुल बिहारी जी जी भैया कहाँ घर होले जी? जहानाबाद जिला में जी घर होले। अच्छा अच्छा अच्छा, पटना की धरती पर सब लोग पहुँचे हुए हैं ना जी? जी भैया। आप लोग आप कहाँ से हैं? मैं मधेपुरा से हूँ भैया। वाह वाह वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कपूर हुआ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते हैं? हाँ जी भैया। और आप जी? हाँ भैया यही पुनपुन से हैं। पुनपुन मसौढ़ी। हाँ हाँ जी। वाह वाह वाह, अब क्या विचार है, क्या क्या डिस्कस चल रहा है आप लोगों में? बस भैया आप ही लोग के इंतजार कर रहे थे भैया जी, भैया एक लाख भैया नजर आएंगे। सोच रहे थे भैया की बिहार का ये दशा है, आप अगर नेता बनते तो बिहार कुछ आगे बढ़ता। और क्या बताए भैया, हम नेता कैसे बनेंगे? जनता बनाएगा तो ना बनेगा आप? जनता आपको भैया, आपको लिए जी जान दे देंगे मगर जिताएंगे रहेंगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन आप लोग का विचार वस्तु क्या है, किस विषय पे यहाँ मीटिंग चल रहा है, आप लोग बैठे हैं काहे के लिए? देखिए भैया, हम लोग सोच रहे हैं कि आज अगर कोई आदमी हमारे गाँव में मर रहा है तो आप ही एक नेता हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों लेके जा सकते हैं उसको वहाँ और जल्दी से काम करवाते हैं ताकि वो बस सके। आप हर वक्त में हम लोग के साथ दीजिए। अब बॉडी रे फोकांड हो रहा है ना जी, जानते नहीं और पी के पड़ल था। अरे सब वो कुछ लुलतुनुआ कुछ का नाम है भैया। बिहार के क्या हाल है कुछ तो आप बताइए जी भैया। वाह वाह नीतीश भाई, आपका तो जवाब ही नहीं, कोई बिल्कुल बिहारी। नीतीश, नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव हैं? नीतीश कुमार के तो सहयोगी भाई ना हैं? ना अच्छा चलिए, जब आपने पूछ दिया तो आपको मैं बता दूं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि कुछ बताइए ये क्या है बिहार। तो आपको बता देते हैं, क्या बताएं भैया, किस हाल में है बिहार। छल कपट और धोखा घड़ी पे चल रही है सरकार, जिसके दम पर प्रदेश को जीता उसी को दिया पछाड़, और फिर भी कहते हैं ये सुशासन बाबू, यही तो है हमारा सुशासन। यही है सरकार भैया। हाँ यही है, यही है भैया, यही है सुशासन की सरकार। पेट पर लगा। आगे आप लोग का क्या है विचार, ये आप सोच के बताइए युवा भाई साथी सरकार, क्योंकि अब बनाना है युवाओं की सरकार। अच्छा भैया, दारू के बारे में तो बोलिए। अच्छा दारू के, सुन रहे हैं कि दारू बंद हो गया तो पर भी ध्यान घनश्याम भैया को देखे वहाँ पी के पड़े हुआ था। अच्छा घनश्याम भैया जी, हमें पंडित बाबा। अरे महाराज तहनी के पता ना हो नेताजी, जानी थे नेताजी, अब तो पहले लाइन लगावे पड़ल हुआ, अब तो फोन करे हुआ मोटरसाइकिल से दू गो तीन गो ले आन के घर ही पहुँचा दी तो मार के आराम करे। बहुत बढ़िया भाई। देखो अगर आप लोगों ने पूछा जी भैया कि दारू ठीक है जी, तो आपको हम बता दें, दारू बंद कराई इसने, हाँ कर दी बंद दहेज एकदम, हमने सोचा अच्छा है करेंगे इससे परहेज। एक नंबर, दारू बंद कराई इसने आ कर दी बंद दहेज, बहुत बढ़िया, हमने सोचा अच्छा है। हाँ भैया, हमने सोचा कि बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, करेंगे परहेज। पर होम डिलीवरी कराकर इसने भर ली अपनी जेब, बहुत बढ़िया। होम डिलीवरी कराकर इसने भर ली अपनी जेब आ लेटरिंग सारे खा गए,
अच्छा। खुले में शौच कर रहा है बिहार, फिर भी कहते हैं कि यही तो है सुशासन की सरकार। समझ में आया? लैटरिन सारे खा गए। हाँ, अब लैटरिन साफ करा कर करके जितना घोटाला हो गया, तैयो कहते हैं कि यही तो है सुशासन का सरकार। एजुकेशन पर क्या बात है, कुछ बताइए, देख रहे हैं क्या हाल है? तो हम एजुकेशन पे पूछते हो आप लोग, हम तो बताने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम होगा ना, कल ले हम वही लाइव आए थे, ये दो मुहवा नीति वाली जो सुशासन सरकार बिहार में है और यही सुशासन की सरकार केंद्र में भी है जी, मालूम है ना। बहाली निकालते हैं तो चेन्नई में सेंटर और हैदराबाद में सेंटर डाल देते हैं, पूरा देश के युवाओं को परेशान कर दिया, यही है सुशासन की सरकार। समझ में आया? तो आइए, अब सुशासन पे आपने पूछ दिया, पढ़ाई लिखाई पे पूछ दिया, तो आइए अब आप हमको बताते हैं कि क्या है। 10% में बेची जा रही हमारी सरस्वती माता। जी जी, अच्छा भैया। 10% में बेची जा रही है हमारी सरस्वती माता, आ 100% में बेची रहे हैं और भर रहे हैं अपनी खाता। यानी 100% में नौकरी बेच रहे हैं और भर रहे हैं अपनी खाता। और करप्शन मुक्त बनाने वाले बोले हैं करप्शन का बाजार, आप फिर भी कहते हैं कि यही तो है सुशासन की सरकार। समझ में आया? बिल्कुल। औकात इनकी दिख गई थी भैया, औकात इनकी दिख गई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में, और सवार हो गए थे ये गुमनामी नाव में। जी जी, जी सवार हो गए थे गुमनामी नाव में। बड़ी घमंड है अपने सुशासन की राजनीति पर इनको। जी भैया, मन में आया? बड़ी घमंड है अपने सुशासन की राजनीति पर, तो क्यों चले गए थे आरजेडी के छत्र छाव में? वाली बात है ना, जब आपकी सुशासन राजनीति की इतनी घमंड थी तो फिर आरजेडी का सहारा क्यों लिया? बात सही है, सही है। तो क्यों चले गए थे आरजेडी के छत्र छाव में? इनकी राजनीति में सुशासन कम सिर्फ दिख रहा है लालच का भरमार। हाँ, इनकी राजनीति में सुशासन कम सिर्फ दिख रहा है लालच का भरमार, फिर भी कहते हैं यही तो है सुशासन की सरकार। भैया, ये तो पूरा सिस्टम एकदम खत्म है भैया। हाँ, तो सिस्टम के बात कर रहे हो भाई मेरे युवा साथी लोग, जी भैया, तो आओ थोड़ा सिस्टम पर भी बोल लिया जाए। सुशासन जी के सिस्टम क्या है जी, बड़ी आनंद आएगा। सुनो सुनो सुनो, आओ जी, सिस्टम की बात करते हैं। जी भैया, आओ सिस्टम पे कुछ बोलिया जाएगा एकदम एकदम एकदम। भैया बताए ना, देखो क्या है सिस्टम, बिहार के सुशासन का सिस्टम सुनो। पूरी सिस्टम को इसने हनीप्रीत समझ कर दिया है बलात्कार। जी जी, इतना बड़का भैया नहीं समझ में। देखो मुजफ्फरपुर, हाँ, कौन कर दिया, रोड वाला आदमी कौन किया? अंतरी मंतरी संतरी वंतरी अधिकारी पधिकारी, जी भैया, है ना किया? इसीलिए ये लाइन हम जोड़े हैं। बिल्कुल अच्छा, जनता जनार्दन आप ही सुन लीजिए। जी जी, क्योंकि सत्य बोलने में इकलाक खान को डर नहीं लगता है। सत्य इकलाक खान बोलता है, चाहे फांसी पे चढ़ा दो चाहे कब्रिस्तान में लेटा दो। पूरी सिस्टम को इसने हनीप्रीत समझकर कर दिया है बलात्कार। राम रहीम बन बैठे हैं खुद ही और कह रहे हैं कि बंद करो अत्याचार। क्या भैया बताओ, यही है सुशासन की सरकार। नेता हो तो कैसा, नेता हो तो कैसा, अभिनेता जिंदाबाद, 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 एक लाख भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।